औरंगाबाद में नगर निगम द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। शनिवार को दिल्ली रोड स्थित नगर निगम में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल, महापौर विनोद अग्रवाल व नगर आयुक्त संजय चौहान द्वारा दीप प्रज्वलन कर भंडारे का शुभारम्भ किया। आपको बता दें कि हरिद्वार व ब्रजघाट से कांवरियों के जत्थे महानगर पहुँचने लगे हैं। इसमें बरेली, रामपुर और अन्य जनपदों को जाने वाले जत्थे भी शामिल हैं। इसी उपलक्ष्य में नगर निगम द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन ग्रहण किया। श्रावण मास की पावन श्रावण यात्रा के अवसर पर मैं आप सभी के प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये त्याग और समर्पण का माह है, और इस अवसर पर जो भी कांवड़ यात्राएं श्रद्धालु गढ़मुक्तेश्वर से हमारे जनपद या नगरी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी सेवा और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए नगर निगम परिवार की तरफ से एक कैंप यहाँ लगाया गया है। जैसा कि अभी माननीय महापौर महोदय ने बताया, हम इस कैंप में ऐसे सभी सुविधाएं और कर्मचारियों को नियुक्त करके यहाँ जब तक कांवड़ यात्रा संपन्न नहीं होता तब तक कांवड़ यात्रियों की सेवा का कार्य करते हैं, और पूरी तरह से साफ सफाई, पब्लिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, सभी सरकारी विभागों के साथ समन्वय जैसे कार्य यहाँ किए गए हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय कुछ क्षण पहले ही इस कैंप का शुभारंभ करके गए, और कल पुलिस प्रशासन और नगर निगम परिवार के तरफ से सद्भाव स्वरूप सभी कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे माननीय महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय और सभी प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को हमने आमंत्रित किया है। हम कल पूरे भाव के साथ कांवड़ यात्रियों के प्रति